नमस्कार मित्रों, कॉम्पटेरिया एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। कॉम्पटेरिया एजुकेशन चैनल पर मुफ्त शिक्षा और इस समय विधि के बहुत ही अच्छे अच्छे लेक्चर चल रहे हैं। आज विधि के महत्वपूर्ण लेक्चर में हम सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय जो 2022 में हुए हैं उस पर चर्चा कर रहे थे। उसका अध्याय 3 यानी तीसरा केस हम डिस्कस करेंगे। पिछले केस में हमने तेलंगाना राज्य और एक अन्य बनाम बी सुब्बा रायडू और अन्य केस डिस्कस किया था। तो आइए बिना समय गवाए हम कॉम्पटेरिया पे स्टार्ट करते हैं अपने आज के केस को। आज का जो महत्वपूर्ण केस है वो है मोहम्मद लतीफ मागरे बनाम संघ क्षेत्र जम्मू और कश्मीर और अन्य। इसका स्रोत जो है ये सुप्रीम कोर्ट डिसीजन है और इसका स्रोत है सिविल अपील संख्या 6544 वर्ष 2022 उत्पन्न द्वारा SLP सिविल संख्या 12743 वर्ष 2022। इसकी निर्णय तिथि है 12 सितंबर 2022 और ये रिपोर्टेड हुआ है JLT 2022 SCJ अगस्त सितंबर 7 ऑल इंडिया रिकॉर्ड 2022 सुप्रीम कोर्ट 3544। खंडपीठ में जो महत्वपूर्ण न्यायाधीश रहे हैं वो हैं श्री सूर्यकांत और JB पारदीवाला। ये सब न्यायमूर्ति गणों ने ये दिया है डिसीजन। प्रावधान था कि अनुच्छेद 21 कब्र में दफन 100 के विधिक और संवैधानिक अधिकार क्या हैं, और दूसरा बिंदु है अनुच्छेद 21 दिनांक 15 नवंबर 2021 को एक एनकाउंटर में मारे गए आतंकी जिसके शव को सम्मानपूर्वक दफन किया गया था उसके पिता द्वारा 6 से 8 महीने बाद मृतक के कब्र के सबोत्खनन कर शव अशेष प्राप्त करने ताकि अपने धर्म के अनुसार अपने पैतृक कब्रगाह में अंतिम संस्कार किया जा सके हेतु प्रस्तावित याचिका उच्च न्यायालय के द्वारा स्वीकार किए जाने की वैधता। क्या ऐसा दावा एक मूल अधिकार के रूप में किया जा सकता है? निर्णय के जो सार हैं, पहला हम सार बता रहे हैं, निर्णय में क्या सार हुआ था आप समझ गए होंगे केस क्या है। अब इसके निर्णय को हम बता रहे हैं आपको, बड़े ध्यान से सुनिएगा। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत गरिमा और उचित व्यवहार का अधिकार न केवल एक जीवित व्यक्ति को उपलब्ध है बल्कि एक व्यक्ति के मृत्यु के बाद उसके शरीर या शव को भी प्राप्त है। किसी शव को दफन कर दिए जाने के बाद वह विधि के अभिरक्षा में होना विचारित किया जाता है। और क्या कहा गया इसमें, इसलिए कब्र से सबोत्खनन डिस इंटरमेंट अधिकार का कोई मामला नहीं है। कब्र में दफन किसी शव को हस्ताक्षेपित करना हटाना न्यायालय के नियंत्रण और निर्देश का विषय होता है। विधि शव के उत्खनन के पक्ष में नहीं होता है। इस लोक नीति पर आधारित होते हुए कि कब्र की पवित्रता बनाए रखा जाना चाहिए, यदि एक बार दफन कर दिया गया है तब शव को हस्तक्षेपित नहीं किया जाना चाहिए। सामान्यतः कोई न्यायालय जब तक किसी शव को कब्र से खोदने का आदेश या अनुमति नहीं देगा जब तक कि एक मजबूत आवश्यकता दर्शित न किया गया हो कि ऐसा सबोत्खनन न्याय हित के लिए है। यह प्रत्येक मामले के विशिष्टियों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। दूसरा जो निर्णय का सार रहा, इस मामले में प्रतिवादीदाता द्वारा शपथ पर कथन किया गया है कि पीड़ार्थी के मृतक पुत्र के शव को औकफ कमेटी के द्वारा पूरे सम्मान के साथ कार्यकारी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में दफनाया गया था। सर्वप्रथम मृतक के शरीर को जल से साफ किया गया और इसके बाद उसे सफ़ेद वस्त्रों में जनाजा प्रार्थना के साथ लपेटा गया। दफन के समय पवित्र कुरान की प्रार्थना भी किया गया। अभिलेख प्रदर्शित करने के लिए कुछ भी उपलब्ध नहीं है कि अपीलार्थी के पुत्र के प्रति अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार का किसी प्रकार का कोई उल्लंघन हुआ। अतः उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश में संशोधन करते हुए अपेक्षित आदेश में एक न्यायोचित समुचित और सामयिक निर्णय दिया है जिसका हम अनुमोदन करते हैं, जो कि निम्नमत है। पैरा 21(1) में प्रत्युत्तरदाता संख्या 1 और उसके परिवार के सदस्यों अधिकतम 10 व्यक्ति को मृतक के कब्र पर फातिया खवानी दफन के बाद जो धार्मिक रस्म होती है प्रार्थना होती है उसके लिए उस तिथि और समय पर जब वह चाहे अपीलार्थी अनुमति प्रदान करेगा उन सुरक्षा मानकों के साथ जो आवश्यक हो और COVID-19 गाइडलाइन के साथ हो। दूसरा बिंदु जो कहा गया, अपीलार्थी द्वारा प्रतिवादीदाता संख्या 1 को रिट कोर्ट द्वारा आदेशित 5 लाख रुपए के प्रतिकर का भुगतान करने का आदेश कायम रखा जाता है। और तीसरा बिंदु, हमने अवलोकन किया कि दंड प्रक्रिया संहिता
1973 की धारा 176(3) के सिवाय सबूत खनन के संबंध में भारत में कोई विधायन नहीं है। भारत सरकार इस संबंध में समुचित विधायन को अधिनियमित कर सकती है ताकि इस प्रकार के मामले के परिस्थितियों से निपटा जा सके। तदनुसार अपील निस्तारित कर दी। मार्गदर्शक निर्णय था पंडित परमानंद कटारा एडवोकेट बनाम भारत संघ 1995-3 SCC 249 भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत गरिमा और उचित बर्ताव का अधिकार राइट टू डिग्निटी एंड फेयर ट्रीटमेंट न केवल एक जीवित व्यक्ति को प्राप्त है अभी तो उसके मृत्यु के बाद उसके शव को भी प्राप्त है। ये आज का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बताइएगा। हम इस लेक्चर सीरीज़ को और भी आगे कंटिन्यू करेंगे। बने रहिए, जमे रहिए आपके अपने महत्वपूर्ण एजुकेशन चैनल कॉमटेरिया पर। वीडियो अगर अच्छा लगे ये ला का लेक्चर तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कॉमटेरिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टडी हार्ड गेट सक्सेस और ला के सभी महत्वपूर्ण लेक्चर्स के साथ और भी विषयों के महत्वपूर्ण लेक्चर्स के साथ आपके समक्ष बहुत ही जल्द प्रस्तुत होगा कॉमटेरिया एजुकेशन चैनल। कॉमटेरिया एजुकेशन चैनल को भारी मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए और एक प्रोत्साहन मिलता है वीडियो बनाने के लिए हमें सभी एजुकेशन पर। इस प्रकार से जब आप हमें एक अच्छा पब्लिक रिटेंशन मिलता है, स्टूडेंट का इस प्रकार का सहयोग मिलता है कि हम आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हों सब्सक्राइब कीजिए।